हाफजाबाद में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अकीदतमंदों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शफकत अली पहलवान से। जी शफकत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, हुसैन कल भी जिंदाबाद थे, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही अकीदतमंदों के लिए बाजार में स्टॉल्स जाए गए हैं। जो अकीदतमंद हैं वो हाथों पर पहनने के लिए कड़ी और सीने पर लगाने के लिए लबैक या हुसैन के बैज और माथे पे लबैक या हुसैन की पट्टी बांधने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर आए हुए हैं और अपने घरों पर काला अलम लगाने के लिए यहाँ से खरीद रहे हैं। मजीद अकीदतमंदों से जानते हैं वो अपनी अकीदत के हवाले से क्या कहते हैं। जी अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलम खरीद रहे हैं छतों पे लगाने के लिए, और जेवर जैनुल आबदीन खरीदे हैं कैदी होने के लिए, और कुछ लोग जो जंजीर जनी के लिए जंजीर खरीद रहे हैं, हाथों में पहनने के लिए कड़ियाँ खरीद रहे हैं, और इस तरह आवाम का जोश व खरोश के साथ ये खरीदारी जारी है। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, जैसे कि पूरी दुनिया में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद का दिन मनाया जा रहा है, मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि ऐसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन मनाएं कि पूरी दुनिया जो गुस्ताखे हैं, जो गुस्ताखी करते हैं, उनको समझ आए कि हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए क्या किया है। उनके रफीकों को, उनके सहाबा को, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आप पूछ मेरी आँख को कैसा लगा हुसैन, आप पूछ मेरी आँख को कैसा लगा हुसैन, है हुस्न कायनात का दुल्हा मेरा हुसैन, और पुश्ते नबी की रहल पे ऐसा खुला हुसैन, गोया नमाज दिल की तलावत हुआ हुसैन। आपने अकीदतमंदों की जुबानी जाना, उनका कहना है कि वो अपने अकीदे के लिए स्टॉल से बैजेस और माथे पर लगाने के लिए पट्टियां और घरों पर लहराने के लिए अलम खरीद रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शफकत अली पहलवान, स्पेशल टीवी हाफजाबाद।